ज्ञान के अंधकार से गिरे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। यौन है, बल है, रूप है, तभी इसे इस नश्वर संसार के दोष नहीं। बड़े पुण्य से मानव देह मिली है, जिसका इसे अहंकार हो गया। अरे यह शरीर तो रोगों की खान है, बुढ़ापा और मौत इसके सिर पर मंडराते रहते हैं। कैसे समझा शंडिल्य, शंडिल्य कैसी दुर्दशा है। एक तो अपना जन्म ही वहां हुआ, जहां खाने को मिलता था तो बस रात का पिंड, ऊपर से विद्या में काला अक्षर भैंस बराबर, भोजन मिलना ही कठिन था। जब देखो तब उपवास, हार कर अपने राम मोहन भोग के लिए जैन साधु हो गए। पर वहां भी वही हाल, दिन में एक ही वक्त भोजन मिलता, इसीलिए चीवर चीरा, कमंडल तोड़ा और यह डंडा लेकर निकल पड़ा। अब यहाँ एक दुष्ट पापी का बोझा ढोने वाला गधा बना फिर रहा हूँ। लगता है भगवान बहुत दूर निकल गए। भगवान, ओ भगवान, अब समझा दुष्ट पापी भोजन के लोभ में अकेला ही भिक्षा को निकल पड़ा। भगवान, आजकल तो शहर में नित्य उत्सव होते हैं, हर जगह सुख और समृद्धि है, महा भिक्षा कैसे मांगते। न तो सत्कार की आशा रखनी चाहिए, न बिकने बाधा का भय। मेरा तो नियम है, भले आदमी के घर से ही भिक्षा लेता हूँ। सच है भगवान, पर मेरे तो न भाई है न पिता, ऊपर से जब अन्न का संकट आन पड़ा तब मैंने यह डंडा संभाला। सद्धर्म के प्रति ऐसे वचन, सच और झूठ दोनों आत्मा के बंधन होते हैं, यह शिक्षा भी तो आप ही से मिली है भगवान। हाँ, सच और झूठ दोनों से बंधन होता है, परंतु जब आदमी अपने आप भला काम करता है तो देवता उसके कर्म का फल धर्म की भांति बचा कर रखते हैं। ऐसी भी कोई वस्तु संसार में है? न होती तो नाम कहाँ से मिलता? नाम को छोड़िए, आप मानते हैं ऐसा है? निसंदेह। झूठ झूठ क्यों? तो फिर आप मुझ पर क्रोध क्यों करते? तुम इससे नहीं पढ़ता, इसलिए मैं पढ़ू या ना पढ़ू, आप जैसे वितरागी को इससे क्या? ऐसा नहीं, शास्त्रों में लिखा है शिक्षा के लिए आया हुआ छात्र ताड़न का अधिकारी है, इसीलिए मेरे भले के लिए तुझे पीटता हूँ। धन्य हो भगवान, धन्य हो, बिना क्रोधी आप मुझे पीटते हैं, जाने दीजिए। चलिए भिक्षा का समय हो गया है। गुड, अभी दोपहर का हुई, शास्त्रों में लिखा है जब मूसल रखे जा चुके हो, चूल्हा ठंडा हो गया हो और गृहस्थ भोजन कर चुके हो, अभी साधु को भिक्षा के लिए निकलना चाहिए, इसलिए चल अनेक उद्यान में चलकर विश्राम करते हैं। चलिए, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, पता नहीं अब तो भोजन मिलेगा। चलिए भगवान, ध्यान आ गया। तू आगे चल, मुझे तो निर्जन मन में जाने का प्यास है। आप आगे चले भगवान, मैं तो पीछे पीछे आऊंगा। मार्ग बहुत लंबा है, यहाँ बैठकर तनिक विश्राम करें। नहीं नहीं, यह जगह स्वच्छ नहीं, अरण्य पवित्र माना गया है, पृथ्वी निर्दोष होती है। ये क्यों नहीं कहते कि थककर बैठना हो तो हर स्थान पवित्र ही पवित्र है। बकवास करता है, यहाँ बैठकर पढ़ाई कर। नहीं करता। क्यों? पहले पढ़ाई का अर्थ तो जान लूं। पढ़ाई का अर्थ पढ़ाई करने से ही पता चलता है, इसीलिए पहले पढ़ाई कर। पढ़ाई से क्या लाभ? ज्ञान से विज्ञान मिलता है, विज्ञान से संयम, संयम से तप, तप से योग प्रवृत्ति, योग प्रवृत्ति से भूत भविष्य वर्तमान का तत्व दर्शन होता है और इन सबसे अष्टगुण संपन्न सिद्धि प्राप्त होती है। आप इन बातों से हरा कर मुझे चाहे जो कह ले, पर क्या आप किसी के घर में बिना देखे घूम सकते हैं? क्या कहना चाहता है? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि शाह के साधु के लिए बने बढ़िया पकवान खाने को मिले तो। ऐसा समय दो है, यहाँ बैठ, ध्यान कर। कैसा मीठा गला है, मानो कोयल बोल रही हो। नहीं नहीं, कोयल नहीं, लगता है किसी ने खीर में घी मिला दिया हो। अरे दूध की धार बह रही हो। सुना आपने? सुनने का काम कान का होता है, मेरा इसमें मन नहीं। माफी हो जाए अगर धन हो तो। बात कर,
अब आप हुए ना सच्चे पंडित। मधुकरिका कहाँ है, कहाँ है रामिलक? आ चुके, वहाँ तो अभी आता हूँ कहकर नगर को गया है। नगर को किस काम से? काम और क्या, गोष्ठी के लिए। गोष्ठी अभी तक पूरी नहीं हुई होगी? आप समझी नहीं, गोष्ठी अर्थात मदिरे की गोष्ठी, जिससे नजाती को भी मत चढ़ता है, विनोद सोचता है। जा जा, उसे जल्दी बुला लो। अभी जाती हूँ। परिपति का कहाँ बैठे हैं? वो देखिए, बोर्ड से लगा हुआ वृक्ष, उसके नीचे बैठते हैं। चलो। राणियों के प्राकुल्य के साक्षी, यमराज ने मुझे आज्ञा दी है, जैसे ही किसी का कर्म पूरा हो उसके प्राण भर लूं। इसीलिए मैं देश देशांतर तक भटकता, भांति भांति के नदी वन पर्वतों को पार करता हुआ यहाँ आ पहुंचा। पर वह वसंत सेना कहाँ होगी? अरे ये नहीं, तपे हुए सोने के रंग के अशोक पुष्प पहने, बादलों में से झांकती चांदनी के समान यह बेटी थी। परंतु अभी इसका थोड़ा कर्म बाकी है, घड़ी भर बाद इसके प्राण धरूंगा। अशोक के फूलों का गुच्छा कितना सुंदर है, तोड़ लाओ। नहीं नहीं, मैं ही तोड़ूंगी। इसके मरने का देश काल यही है, चलो साफ बनकर डाली पर बैठ जाऊं और इसके प्राण हर लूं। तूने इसे काट लिया? काट लिया? देखो तो। कर्म पूरा हो गया होगा, सब अपना कर्म भोगने के लिए आते हैं और फिर प्राण त्याग देते हैं। अच्छुके चित्त कैसा है? अच्छुके देह गली जा रही है, जीभ निकली पड़ती है, मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ ना आराम से। रामिलक को मेरी याद करा देना, माँ को भी प्रणाम कहना। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहती हो? प्राण तो हर किए, अब गंगा नर्मदा आदि नदियों को पार करता हुआ हवा की चाल से लंका होता हुआ जब लोग पहुंचू और वहां विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठी चित्रगुप्त को इसकी आत्मा सौंप दूं। गुरुजी, इस अज्जुका ने प्राण छोड़ दिए। मूर्ख, मनुष्य को प्राण बहुत प्रिय होते हैं, शरीर प्राण नहीं छोड़ता, प्राण ही शरीर छोड़ देते हैं। आपको 800 गालियां देने का मन कर रहा है? नहीं नहीं, मेरा दिल भर आता है। इसलिए? वह भी तो अपनी ही है। अपनी कैसे? वह भी परिवारजनों की तरह किसी से प्रेम नहीं करती। हृदय से तो नहीं, वचन से तो करती है। अब मुझसे नहीं रहा जाता, मैं तो उनके पास जीवा के रोना चाहता हूँ। नहीं पहुंचा। शांत रहिए गुरुदेव, साधु को क्रोध शोभा नहीं देता। क्या मैं इन्हें छू लूं? छू लीजिए। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा।
कर रही हूँ। मैं जानता हूँ, आप तो जानते हैं, आप योग का कर्तव्य दिखलाइए। इसीलिए साधु का धर्म नहीं समझता, इसीलिए इसे विश्वास दिलाने के लिए मैं अपनी योग साधना करके इस गणिका के शरीर में अपनी आत्मा स्थापित करता हूं। ऐसा आश्चर्य तो
पहले कभी नहीं देखा। अच्छा योगी साधु इसके शरीर से खेल रहा है, अब क्या करूं? थोड़ी देर के लिए इस गणिका की आत्मा को साधु के शरीर में रख दूं, इस बीच अपना काम पूरा करके दोनों के प्राण बदल दूंगा। लो अब इस साधु के शरीर में स्त्री का वास हुआ, जैसा सत्व और शील है वैसा ही इसका आचरण होगा। मौत भी नहीं मिलती। इन हाथों में कमंडल होना चाहिए, लगता है उनमें चूड़ियां पहन रखी हो। ना तो ये भगवान लगता है, ना ही अज्जू का, बीच का भगवान अज्जू का लगता है। गोलियां लाया हूं और दवा भी, जीने मरने का प्रश्न है, गोलियां बांट लूं। अरे इसे किसी ने डसा थोड़ी है, इस पर तो कोई भयंकर भूत सवार है। मूर्ख व्यर्थ व्यर्थ परिश्रम ना कर, प्राण लेने वाले यम को भी नहीं जानता। बता बता इसे किस सांप ने डसा है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? शास्त्र की बात तो है। अरे शास्त्र तो अलग है। बता तेरा वैदिक शास्त्र क्या कहता है? सुनो आदि, वातिका पैतिका चेप स्ले, वातिका पैतिका चेप स्ले, वातिका पैतिका चेप स्ले। बड़ा वेद बना फिरता है, एक चरण नहीं सब कुछ भूल गया? नहीं नहीं, तो पूरा पुस्तकालय है। नहीं नहीं, सुनो आगे, वातिका पैतिका चेप स्ले विकास महाविषा त्रेडी सर्पा भव्यते चतुर्थे नागी गम्यते। बता सत कितने हैं, विश्वकार कितने हैं? बता विश्वकार कितने हैं? विश्वकार 100 है? नहीं 7 हैं। मूर्छित होना, पीला पड़ना, अंग कांपना, मूर्छित होना, सांस लेना, सांस फूलना, यही 7 विश्व के विकार है। जिसे ये 7 विश्व के विकार चढ़े हो उसे तो स्वयं अश्विनी कुमार भी ठीक नहीं कर सकते। बाप रे बाप, यह मेरे बस की बात नहीं, मैं तो चला। अरे आज तो कैसे कैसे लोगों को यमपुरी पहुंचाया, किसी को जन्म से पहले, तो किसी को कान के रोग से, तो किसी को नाक के रोग से। अब चलूं चित्रगुप्त के आज्ञा का पालन करके इन दोनों के प्राण बदल दूं। अरे भगवान अब तो इस गणिका की आत्मा को छोड़ो। अच्छा कंडलिय कंडलिय, ये क्या भगवान तो फिर अपनी तरह बोलने लगे। परिमृतिका, अरे ओ परिमृतिका, अरे माँ अज्जू का भी अपनी तरह बोलने लगी। पिटी मार सन से ना मसल भी सेना इस और क्या हुआ था भगवान? बड़ी लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाऊंगा।